नमस्कार। छावनी में बेघर अल्पना मिश्र द्वारा लिखित कहानी का भाग दो आज हम देखते हैं, वह इस प्रकार। पिछली तासिका में हमने जो एक पंक्ति देखी थी वह फिर से मैं पढ़ रहा हूं। मना करो कि जूते जब गंदे हो तो पिछले रास्ते से आओ, पर कहा वे हर बार भूल जाते हैं और जैसे ही अपने जूतों के निशान देखते हैं ग्लानि से भर जाते हैं। ओहो, फिर खुद कहते हैं जाने दो। कौन दिन भर पोछेगा बताइए। जाने दो के अंदाज में वे फिर हंसते हैं और अब मैं इन्हीं जूतों के निशान को बचा लेना चाहती हूं। मैं क्या सोचती खड़ी हूं जबकि मेरे हाथ में एडम ब्रांच की चिट्ठी है। 15 दिन हुए हैं मेजर कुमार को गए हुए और हमें जीवन समेट यहां से जाना है। कहां, कहीं दूर नहीं, यही छावनी के भीतर 2 कमरों में। मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझे जैसे सबको जाना है सबको जूतों के निशान यही छोड़ जाना है। एडम ब्रांच ने लिखा है, फील्ड में गए अफसर की फैमिली सरप्लस हो गई है, घर उतरने नहीं है। जो ऑफिसर फील्ड ड्यूटी करके आ रहे हैं उन्हें घर देना पहली प्राथमिकता है। इसलिए जब तक आपको सिविल में किराए का घर नहीं मिलता, हम आपको 2 कमरे उपलब्ध करा रहे हैं। SFA, सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन के मिलने में बहुत समय है। वहां की लाइन में आपका वेटिंग नंबर 174 है। SFA में घर उपलब्ध होते ही हम आपको सूचित करेंगे। आप चाहे तो सीधा सिविल में शिफ्ट कर सकती है। मिसेस वर्मा अड़ गई है। ऐसे कैसे चले जाए हम 2 कमरों में? एकेडमिक सेशन पूरा होने के पहले घर नहीं खाली करेंगे। मेरे हस्बैंड वॉर युद्ध में है और आप इस समय हमसे घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। सीओ की फैमिली को तो नहीं हटा रहे हैं आप लोग, किसी ने नाराज होकर कहा है। एडम ऑफिसर खुद आए हैं इस बार, शर्मिंदा से समझा रहे हैं। मैडम, हम क्या कर सकते हैं, सरप्लस फैमिलीज हो गई है इस समय। आप ही बताइए, जो 3, 5 या 6 साल फील्ड में रहकर आ रहे हैं उन्हें भी तो घर चाहिए। उन्हें फील्ड प्रायोरिटी तो मिलेगी ही। हम यहाँ पोस्टेड ऑफिसर का ही हिसाब रख पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम जवान भेज देंगे, शिफ्टिंग में जवान आपकी मदद करवा देंगे। उसमें किचन नहीं है, छोटे से कमरे है, सामान कहाँ रखेंगे, गाड़ी कहाँ आएगी? तब आपको घंगोड़ा भेज देते हैं, वहाँ कुछ पुराने बंगले पड़े हैं, रिपेयर होकर मिल सकते हैं। घंगोड़ा? ओ गॉड, उतनी दूर से मेरे बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे? मैडम, तब तक आप 2 कमरे में रहिए, फिर सिविल में अच्छा सा घर देख लीजिए। सिविल में सीधा? नहीं, हम सब अपने अपने घरों से निकल आए हैं, ये 2 कमरे तब तक के लिए ठीक है। मिसेस वर्मा परेशान सी बैठी है। मैं हाँ कहती हूँ, छोटे छोटे 2 कमरों में हम घर बना लेंगे। थोड़ी सी जगह में किचन, थोड़ी सी जगह में ड्राइंग रूम। किचन और ड्राइंग रूम को अलमारियों से बांट देंगे। एक लकड़ी के बक्से पर गैस चूल्हा रख लेंगे। बाथरूम में बर्तन धो लेंगे। 2 चारपाइयाँ जोड़कर बेड बना लेंगे। बच्चों के साथ हमारा काम चल जाएगा। ज़्यादातर सामान लकड़ी के बक्सों में पैक कर कर रख देंगे, खासकर पार्टियों के बर्तन, ग्लोजेस, शोपीसेज, मोमेंटोस। इन 2 कमरों में हमने अपनी गृहस्थी जमा ली है। ये मेस के पीछे बने पुराने कमरे हैं। लाइन से 8-10, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी,
ये पंक्तियां लगभग वर्गाकार एक कॉलोनी बनाती हैं। बीच में मैदान जैसी खाली जगह है, कुछ पेड़ पौधे झाड़ियां बीच में लगी है, कभी की लगी होगी, छूट गई सी लगती है। हम यहाँ है, हमारे जैसे हर कमरे में यहाँ है, हमने मिलकर इसे जे जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी नाम दे दिया है। खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, जे जे कॉलोनी चाहक उठी है, दूर पार्क जाने की अब जरूरत नहीं रह गई है, बच्चे हैं और बीच का मैदान है, हमारी आंखों के सामने ही खेल रहे हैं। कुछ लोगों की गाड़ियां कमरों के आगे एक साथ बने लंबे से बरामदे में आ सकती है, पर उससे जगह बंद हो जाती है, इसलिए स्कूटर और कार सब अपने अपने कमरों के आगे खड़े हैं। हम भी एक कवर खरीद कर लाए हैं अपनी लाल मारुति के लिए। एक दूसरे से पूछकर हम गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। मिसेस रामचंद्रन तो देखते ही देखते क्या बढ़िया चलाने लगी, कभी शायद कोई मेरे बारे में भी ऐसा कहे। हम सभी सिविल में घर ढूंढ रहे हैं। बहुत महंगे घर हम नहीं ले सकते, हम में से कुछ ले सकते हैं, वे जिनके पीछे कोई आर्थिक सपोर्ट है, हमारे पीछे नहीं है। ले देकर पति की तनख्वाह भर है, यहाँ इस घर में ज़्यादातर किराए के लिए ही घर एक कमरे वाले हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों ने विद्यार्थियों के लिए अपने घरों के ऊपर एक कमरा अतिरिक्त बनवाया है, घर की सुरक्षा भी हो जाए और किराया भी आए, कुछ इस हिसाब से। सिविल में घर ढूंढना जैसे एक दूसरी दुनिया में प्रस्थान है हमारा। लोग यहाँ हमारे जैसे घर ढूंढने निकली औरतों का कोई परिचय जानना चाहते हैं, जिनके बूते घर दिया जा सके। हमारे अपने बूते कुछ नहीं है, हमारा शहर में कोई परिचित नहीं, हम खुद शहर में है, एक दूसरे के परिचित, लेकिन नहीं किसी भी पति को नीचे आने का मौका मिलेगा या किसी की यूनिट कहीं से कहीं जाएगी तो वह फुर से उड़ जाएगा। साथ निभाने के लिए रुका नहीं रह सकता, सिविल में लोग जानते होंगे यह सब, इसीलिए इसी शहर में हमसे हमारा पता मांगते हैं। फिर भी हम नहीं मानते, बच्चों के स्कूल जाने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाकर घर खोजने निकल पड़ते हैं। बच्चों के वापस आने के पहले हम भी वापस आते हैं, फिर शाम को निकलते हैं बच्चों के खेलने के समय, घंटे दो घंटे में वापस आ जाते हैं बैरंग। हम हर मकान मालिक के घर में एक चिट्ठी डालना चाहते हैं, कृपया वे अपने घरों को इस तरह बनाइए कि युद्ध काल में लड़ाई में गए फौजियों के परिवार को एक कोना दिया जा सके। हम सरकार को चिट्ठी नहीं डाल सकते, पतियों की नौकरी पर बनाए ही। कितनों के पति ने स्टाफ कॉलेज क्लियर कर लिया है, इस ऑपरेशन से सलामत लौटने पर उन्हें उज्जवल भविष्य मिल सकता है। औरतें पतियों के लिए अपनी दिक्कतें किनारे करती रहती है। हम दो तीन मिलकर हर दो चार रोज के बाद SF में अपनी वेटिंग का पता लगाने जाते हैं। पता चलता है महीने भर से वेटिंग जस की तस है, साल भर लग सकता है। कोई यूनिट कहीं पीस शांत क्षेत्र में जाएगी, घर तभी खाली होंगे। हमारे पतियों को पता है कि हमारे घरों में उठाकर इन दो कमरों और किसी को किसी एक कमरे पति के रैंक के मुताबिक में पटक दिया गया है, लेकिन उनका फोन आने पर हमें यही कहना है यह सब कुशल है, यहाँ की चिंता न करना। जबकि पिताजी के जाने के बाद से अम्मा की तबीयत खराब चल रही है, उन्हें अपने पास लाना चाहती हूँ, बेहतर देखभाल हो सकती यहाँ। मैं बच्चों की पढ़ाई छुड़ा कर गाँव नहीं जा सकती। मेजर कुमार का छोटा भाई लंबे समय तक बेरोजगार रहा, अब नशा करने लगा है, उसे कोई काम सौंप ही नहीं जा सकता। एक बहन का ससुराल में झगड़ा होता रहता है, किसी भी दिन वो बाल बच्चों समेत वापस आ सकती है। बड़ी बहन कोई मतलब नहीं रख पाती, उसकी शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई है, पति बहुत व्यस्त रहते हैं, उसी पर सब जिम्मेदारी है, इसलिए उसके लिए कुछ संभव नहीं हो पाता। अम्मा को मुझे ही लाना होगा।
जाहिर है कि हमें अब तक घर ही नहीं मिल पाया। मिसेस रेड्डी को मिल गया है, सुना है वे शिफ्ट कर रही है। वे हमारे घरों वाली लाइन से दूर किसी लाइन के दो कमरों में है, मुझे नहीं मिला। बगल की मिसेस शर्मा और मिसेस मिश्रा को भी नहीं मिला। एडम ब्रांच से पत्र फिर आया है, 2 महीने बीत चुके हैं, हमारे पास 1 महीने का वक्त और है, फिर ये 2 कमरे खाली न करने पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से डैमेज रेंट देना पड़ेगा। बाप रे, इन 2 कमरों का किराया पड़ेगा 10,000 रुपये प्रतिमाह। हम देने की औकात में नहीं है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच पैसे काट लिए जाएंगे। हमारे पति इस देश के लिए लड़ने गए हैं तो उनकी तनख्वाह से भला पैसे कैसे काटे जा सकते हैं, वह भी 10,000, आधी से ज़्यादा तनख्वाह। मैंने किराए का घर खोजने की मुहिम तेज कर दी है। बल्लूपुर चौराहे के पास किसी ने एक खाली घर बताया है, वही देखने निकली हूँ। चौराहे पर भीड़ है, मैं अपनी दोनों फूल गेंदों को मजबूत से पकड़ते हुए हूँ। मामा, क्या है वहाँ? छोटे की बड़ी जिज्ञासा है। क्या है? मैं भी भीड़ के निकट जाकर देखने की कोशिश करती हूँ। एक फौजी ट्रक 3 टन खड़ा है, उसके पीछे तिरंगे में लिपटा एक ताबूत रखा है। कोई जवान शहीद हो गया है, कारगिल से उनकी डेड बॉडी आई है। गोरखा राइफल्स के बहुत जवान शहीद हुए हैं इस बार, यही के भाई। हर 1-2 घर के बाद मातम है। मैं चुप खड़ी हूँ, अपनी दोनों फूल गेंद समेटे। पिछले दिनों प्रेम नगर मोहल्ले का जवान लड़का शहीद हुआ था, नई नई शादी हुई थी, उसे तो लोगों ने खूब फूल चढ़ाए थे। मामा, कौन मर गया? छोटा पूछ रहा है। बड़े को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, वह डर गया है। उसे फौजी 3 टन समझ में आता है, उसे वह अपना मानता है, अपनी आर्मी का है। वो छोटे को चुप कराने के लिए कहता है, घर पर तुझे पूरा बताऊंगा। हाँ, मैं अपनी फूल गेंद समेत भाग सी रही हूँ। मुझे सारी फौज बकरा दिखाई पड़ रही है, जिसे खूब सजाया गया है, खिलाया पिलाया गया है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? 3 टन वाला किसी से पता पूछ रहा है। एक लेफ्टिनेंट ने शरीर के टुकड़े पाकिस्तान लौटा दिए हैं। वायुसेना का पायलट नचिकेता अपने संघर्ष में कामयाब हो गया है। द्रास सेक्टर से कर्नल नारायण सफेद राजमा नहीं ला पाए, कहा था उन्होंने मैडम भेजूंगा। उनका शव ऐसे ही कहीं दूर उनके घर की तरफ ले जाया गया होगा। हम जान नहीं पाए, एक खूबसूरत कैप्टन माउथ अर्गन बजाते हुए शहीद होकर बहादुरी का प्रतीक बन गया है। एक लेफ्टिनेंट ने अब तक परमवीर चक्र पाए शहीदों के स्केच बनाए थे, वह अपनी स्केच बनाने की कला के साथ साथ खत्म हो गया है। मेजर बिष्ट का शहीद शरीर उत्तरकाशी लाया जा रहा है। मेजर शर्मा की गाड़ी के आगे वाली कैनवॉय में ब्लास्ट हो गया है। एक अफसर, 2 CGCO, 5 NCO मौके पर ही शहीद। प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को कितने वर्ष हुए, इसे सही सही गिनने के लिए तमाम गणितज्ञ बुलाए गए हैं। जाने कौन लोग हैं जो बारिश में भीगते हुए प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। बाकी लोग छतरियों के भीतर है, इस देश में कितनी छतरियां कहां से उगाई है। स्कूलों में झंडा फहरा दिया गया है, बच्चे समवेत स्वर में गा रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जन है। किसी मंदिर में भजन की जगह देशभक्ति गीतों का फिल्मी कैसेट चल रहा है। मेरे देश की धरती, साबुन की टिकिया तिरंगे में लिपटी है। जो जितना देशभक्त है वह उतना तिरंगे वाला साबुन खरीदेगा। गाड़ी की एक बड़ी कंपनी ने तिरंगे के एक एक रंग को लेकर नई कार निकाल लाल किले के बाहर पुलिस के एक जवान ने अपने अफसर को बंधक बना लिया है। आतंकवादियों ने गांव से लेकर दिल्ली तक माइनफील्ड बना दिए हैं।
लोग उस पर चल रहे हैं। माइन फील्ड जनता के लिए है, बड़े लोग उठकर चले जाते हैं। दुनिया भर से उठता विलाप हवा में भर गया है। तमाम अखबार और पत्रिकाएं शहीदों के नाम पर आम जनता से चंदा वसूल कर रही हैं। बावजूद इसके एक शहीद की बहन नेताओं के आगे आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है। उसके भाई के नाम से सरकार ने पेट्रोल पंप दिया है जिसे कोई सरकारी कारिंदा चलाता है, पैसे मांगने पर भी इज्जत करता है। रक्षा मंत्रालय के क्या नियम है? मैं एक सीनियर ऑफिसर से पूछना चाहती हूँ। हमें ठीक से नहीं पता, ऑफिसर कहेगा। क्यों नहीं पता? आपका परिवार नहीं है? मैं पता करके बताऊंगा मैडम, आप चिंता ना करें। क्या पता करके? फौज में पति के बाद औरतों को नौकरी नहीं दी जाती। यही कि उन्हें पति के बदले कुछ पैसे दिए जाते हैं। अफसरों को कुछ ज़्यादा, जवानों को कम। वह भी किसे मिलते हैं? जिनके घर वाले दौड़ भाग कर ले जाते हैं उन्हें ही। जब हमारा ये हाल है तो जवानों के परिवारों का क्या हाल होगा? किसके लिए है ये युद्ध? किसके लिए लड़ रहे हैं ये लोग? किसके लाभ के लिए? किसकी शांति के लिए? क्या निकल रहा है इसका परिणाम? क्या हो रहा है पीछे छूट गए परिवार का? पता नहीं कितने घरों में सिर्फ एक लड़के को नौकरी मिल पाती थी, अब वह भी गया। इससे पहले तक कभी कितनी विचलित नहीं हुई मैं। इससे पहले तक युद्ध से जुड़े अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। सोचती थी युद्ध की जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो रोज युद्ध है, रोज युद्धबंदी है, रोज हताहत है, रोज शहीद है। हमें नौकरी खोजनी चाहिए, मैंने अपनी पड़ोसन से कहा है। हमें घर और नौकरी दोनों खोजना चाहिए। कोई सूचना आई? हफ्ते भर से फोन बंद है। फोन हमारे जीवन की धड़कन हो गए हैं, शायद आज लाइन खुल जाए। उन्हें एहतियात बरतना होता है, पर परिवार को सूचना देने का कोई तो साधन कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, फोन 15 दिन से बंद है। किसी भी प्रकार का संपर्क उन लोगों से नहीं हो पाता है। एहतियात फौज में सारे संपर्क काट दिए हैं। काश कहीं से बस इतनी सूचना आती कि सब ठीक है। मिसेज शर्मा के पास उनकी यूनिट से कोई जवान आया है, उनके यूनिट की खबर लाया है। उसे नहीं पता मेजर कुमार कैसे हैं। घर खाली करने का वार्निंग समय बीत गया है। आज सुबह सुबह फोन पर अम्मा के देहांत की खबर आई है। मैं बच्चों के साथ गांव जा रही हूँ। परसों ऊपर से खबर आई थी कि कुछ अफसरों को छुट्टी पर भेजा जाएगा। मेजर कुमार भी आने वाला है। अब आएंगे तो सीधे गांव आ जाएंगे। मैं रुक नहीं सकती इस समय। मेरे गए बिना वह सब काम कैसे होंगे? मुझे जाना ही होगा। मैं बच्चों के साथ तैयारी में व्यस्त हूँ। कुछ पैसे भी हाथ में होने चाहिए। मन ही मन जोड़ घटा रही हो। क्या इस वक्त मेरे साथ मेजर कुमार की कमी को कोई चीज पूरा कर सकती है? पूरे 15 दिन बाद अचानक फोन पर मेजर कुमार की ब्रिगेड से मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मिसेज शर्मा अपने कमरे के सामने से मेरे कमरे की तरफ सरक आई है। अगर आ रहे हैं तो एक दिन रुक जा मीनू, अकेले वहाँ मुश्किल में पड़ जाएगी। वे प्यार और दोस्ती के साथ कहती है। मैंने मेजर कुमार की तरह कहा है, जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, बेकार की बात जैसा भी। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, पेट्रोलिंग ड्यूटी से ही। साथ में 2 जवान भी लापता। मैंने बहुत देर बाद अपने आप से कहा है, मिसेज शर्मा मुझसे पहले दीवार का सहारा ले लेती है, तो तू जा, बच्चों को मेरे पास छोड़ दे। कुछ ऐसा कहेंगी वे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा कुछ कहेंगे गांव में लोग। इस प्रकार का छावनी में बेघर अल्पना मिश्र द्वारा लिखित कहानी का 2 अंश यहाँ पर समाप्त हुआ है। कहानी का कथासार इस प्रकार से था। प्रस्तुत कहानी में
अल्पना मिश्र ने फौजी जीवन से जुड़े कुछ कटु सत्य को बयां किया है। एक फौजी किस तरह ऊपर से आए आदेश के अनुसार अपने को तैयार करता है, इसका संघर्षपूर्ण ब्यौरा कहानी में है। मीनू एक छरहरी औरत है, उसके पति मेजर कुमार है और फूल गेंद जैसे दो बच्चे। समय अच्छा कट रहा है, मेजर कुमार की ड्यूटी कारगिल युद्ध के क्षेत्र में लग जाती है। 15 दिन बाद एडम ब्रान से आदेश आता है, क्वार्टर खाली कर छावनी के भीतर बने दो कमरों में रहने के लिए। फौजी की पत्नियां अपने पति के जूतों के फर्श पर बने निशान छोड़कर नहीं जाना चाहती, भले ही उनके रहते फर्श पर जूतों के निशान बना देने पर पोछा लगाते समय नाग हो सिकोड़ती हो। अब उनके युद्ध में चले जाने के बाद निशान को वैसे ही पड़े रहने देना चाहती है। उन्हें क्वार्टर बदलने का आदेश इसलिए होता है कि जो ऑफिसर फील्ड ड्यूटी करके आ रहे हैं उन्हें घर देना पहली प्राथमिकता है। ऐसे में मीनू को सिविल में किराए का मकान ढूंढने का आदेश है, उससे पहले इन दो कमरों में रहना है। वह अपने को उन दो कमरों में व्यवस्थित करती है, तभी मीनू की माँ के निधन की सूचना मिलती है। वह बच्चों के साथ गांव जाना चाहती है, ऊपर से खबर आई है कुछ अफसरों को छुट्टी पर भेजा जाएगा, उसमें मेजर कुमार का नाम भी है। मीनू सोचती है वह आएंगे तो सीधे गांव जाएंगे, तभी मेजर कुमार की ब्रिगेड से मैसेज आता है कि मेजर कुमार का कुछ पता नहीं चल रहा है, वे पेट्रोलिंग ड्यूटी से ही दो जवानों के साथ लापता हो गए हैं। इस प्रकार कहानी का सार था। कहानी का दूसरा अंश यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।